हेलो एंड वेलकम टू इजी क्लासेस। मेरा नाम प्रिया मदा है। इजी क्लासेस भारत का एकमात्र ऐसा संस्थान है जो आपको पोर्टेबिलिटी की सुविधा प्रोवाइड करता है और आईएएस एस्पिरेंट्स को उनके बेस्ट मेंटर्स द्वारा गाइड करता है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड्स के बारे में। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आप देखते होंगे हर दूसरे एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। हमारे प्रयास इस वीडियो के माध्यम से यह रहेगा कि वेटलैंड से जुड़ी छोटी मोटी जितनी भी चीज़ें हैं हम इस वीडियो में कवर करें और आपके सारे डाउट्स को क्लियर करें। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि वेटलैंड्स या आर्द्र भूमि कहते किसे हैं। इसकी एक परिभाषा निर्धारित की गई है जो ग्लोबल लेवल पर एक्सेप्टेड डेफिनेशन है और इसे एक वैश्विक स्तर पर आर्द्र भूमि के संरक्षण हेतु जो 1971 में रामसर कन्वेंशन हुआ था, जिसे कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स कहते हैं, वहां पर अधोलिखित रूप से परिभाषित की गई। कहने का मतलब है कि 1971 में रामसर कन्वेंशन होता है और वहां पे वेटलैंड्स की एक डेफिनीशन दी जाती है जिसे ग्लोबल लेवल पर जितने भी मेंबर स्टेट हो वो आर्द्र भूमि को या वेटलैंड्स को समझ सके। तो चलिए हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसकी डेफिनीशन बताते हैं क्योंकि जो इंग्लिश के विद्यार्थी हों जो हिंदी के विद्यार्थी हैं उन्हें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक एग्जैक्ट डेफिनीशन लिखना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले इसकी डेफिनीशन हम हिंदी में देखते हैं। दलदल, पंख भूमि, पीठ भूमि या जल, कृत्रिम या प्राकृतिक, अस्थायी या स्थायी, गतिमान जल या स्थिर जल, ताजा, खारा व लवणयुक्त जल वाले क्षेत्रों को आर्द्र भूमि की श्रेणी में रखा गया है। इसमें समुद्र क्षेत्र के वे क्षेत्र भी शामिल किए गए हैं जहां पर निम्न ज्वार की अधिकतम गहराई 6 मीटर से अधिक नहीं होती है। इन सभी क्षेत्रों को आर्द्र भूमि की या वेटलैंड्स की श्रेणी में रखा गया है। आइए अब इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन देखते हैं। वेटलैंड आर द एरियाज ऑफ मार्शेस, फेन, पीटलैंड और वाटर, नेचुरल और आर्टिफिशियल, टेम्परेरी और परमानेंट, विथ वाटर फ्लोइंग और स्टैटिक, फ्रेश, ब्रैकिश और सॉल्ट वाटर, इंक्लूडिंग द एरियाज ऑफ मरीन वाटर वेयर लो टाइड डज नॉट एक्सीड द डेप्थ ऑफ 6 मीटर्स और अबव। ये हमारी एक एग्जैक्ट डेफिनीशन हो गई। अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको ये एग्जैक्ट डेफिनीशन पता होनी चाहिए। इस परिभाषा के आधार पर हम वेटलैंड्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है मरीन और कोस्टल वेटलैंड्स, जिसे हिंदी में समुद्री या तटीय आर्द्र भूमि कहते हैं। एग्जाम्पल पे तौर पे कोरल रीफ, मैंग्रोव, एस्चुरीज, ये सब समुद्री या तटीय आर्द्र भूमि में आएंगे। दूसरा है इनलैंड वेटलैंड्स, जिसे कि अंतरस्थलीय आर्द्र भूमि कहा जाता है। इसमें आते हैं डेल्टा, स्वैम्प, मार्शेस, देन पॉन्ड, लेक्स एक्सेट्रा। और तीसरा हमारी कैटेगरी आती है मैन मेड वेटलैंड्स, जिसे मानव निर्मित आर्द्र भूमि कहा जाता है। यहाँ पे कोई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा हो या फिर आर्टिफिशियल पॉन्ड क्रिएट किया गया हो या एक्वा कल्चर हो, ये सारे उदाहरण तीसरी कैटेगरीज में आते हैं। अब हम बात करते हैं कि वेटलैंड्स की आखिर वेटलैंड्स का इम्पोर्टेंस क्या है, इसका बेनिफिट क्या है। तो पहला है ट्रिपल एफ यानी कि फ्यूल, फाइबर एंड फूड हमें यहाँ से मिलता है। बायोकेमिकल प्रोडक्ट्स मिलते हैं, यहाँ पर माइनिंग का काम होता है, जहाँ पर कोल, फॉस्फेट और अदर ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो हमारे दिनचर्या में यूज़ होते हैं वो यहाँ से माइनिंग के थ्रू प्राप्त किए जाते हैं। फिर क्लीन वाटर में इसका बहुत बड़ा रोल होता है, वाटर रेगुलेशन में इसका बहुत बड़ा रोल होता है, सॉइल फॉर्मेशन में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। सॉइल फॉर्मेशन में जहाँ इसका बहुत बड़ा रोल होता है वहीं सॉइल इरोजन से भी ये प्रोटेक्ट करता है। फिर बात करते हैं दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर की, दैट इज़ पॉल्यूशन कंट्रोल। ये पॉल्यूशन कंट्रोल में भी बहुत बड़ा मददगार साबित होता है। ये एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन दोनों में अपनी अच्छी भूमिका निभाता है। ये सारे पॉल्यूटेंट्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और हमें फ्रेश वाटर या फ्रेश एयर मुहैया कराता है। फिर ब्यूटिफिकेशन के लिए बहुत अच्छे लगते हैं, एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बहुत अच्छे हैं। सबसे बड़ी बात है, जो ज़रूरी बात है, कि हमें वेटलैंड्स कंजर्व क्यों करने चाहिए, फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। वेटलैंड्स में बायोडाइवर्सिटी बहुत ही अधिक मात्रा में पाई जाती है। अब बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जेनेटिक यूनिफॉर्मिटी नहीं होनी चाहिए इकोसिस्टम या हमारे पृथ्वी के लिए। जेनेटिक डाइवर्सिटी होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर चीज़ का संतुलन बना हुआ है इस पृथ्वी पर, इस इकोसिस्टम या नेचर में हर चीज़ का संतुलन बना है और हर चीज़ की इम्पॉर्टेंस है।
हम आज के दौर पे ये चीज़ें नहीं देख पाते हैं क्योंकि हमारे पास लोगों के पास जागरूकता नहीं है, लोगों को समझ में नहीं आता है कि हर एनिमल का, प्लांट का या छोटे बड़े जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनका इस पृथ्वी पर या नेचर पर बहुत बड़ा रोल है और उनको कंजर्व करना हमारे ह्यूमन रेस के लिए भी बहुत ज़रूरी है। चूंकि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि सॉयल फॉर्मेशन में वेटलैंड्स का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है, इसी वजह से कई सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनके रिसाइकलिंग प्रोसेस में भी ये सहायक होते हैं। इतने सारे बेनिफिट्स, उसके बाद भी वेटलैंड्स इतनी तेज़ी से नष्ट हो रहे हैं क्योंकि लोगों के बीच में इसके प्रति जागरूकता नहीं है। लोग जानते ही नहीं है कि आर्द्रभूमि या वेटलैंड्स होते क्या हैं, इनका इनके बेनिफिट्स क्या हैं, ये हमारे लिए इतने इम्पॉर्टेंट क्यों हैं, ये इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करने के लिए क्यों इतने इम्पॉर्टेंट हैं, क्यों इनका सस्टेनेबल यूज़ कैसे किया जाए कि ये फ्यूचर जनरेशन के लिए भी अच्छे से कंजर्व रहें और जो हमारा प्रेजेंट जनरेशन है उसके लिए भी ये अपने जो बेनिफिट्स हैं वो हमें लगातार मुहैया कराते रहें। इसके कंजर्वेशन और इसके सस्टेनेबल यूज़ को बढ़ावा देने के लिए ही वैश्विक स्तर पर एक प्रयास किया गया जो 1971 में रामसर कन्वेंशन के रूप में सामने आया। रामसर कन्वेंशन, इसे कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स भी कहते हैं। ये 2 फरवरी 1971 को साइन किया गया लेकिन ये इफेक्ट में तब आया 21 दिसंबर 1975 को। ठीक है, ये 2 फरवरी 1971 को साइन किया गया लेकिन इफेक्ट में 21 दिसंबर 1975 को आता है और इसका दूसरा नाम क्या है, कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स। रामसर, रामसर ईरान में एक जगह है जो कैस्पियन सागर तट पर स्थित है। ठीक है, और भारत इसका मेंबर स्टेट 1982 में बनता है। चूंकि यह कन्वेंशन 2 फरवरी 1971 को साइन किया गया था इसीलिए वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाया जाता है और 1997 में हमने अपना पहला वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया था। यह एक इंटर गवर्नमेंटल और मल्टी ऑब्जेक्टिव्स युक्त कन्वेंशन था जिसमें वेटलैंड्स के कंजर्वेशन और इसके सस्टेनेबल यूज़ के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दिया गया था। वर्तमान में इसमें 170 मेंबर स्टेट्स हैं और ये मेंबर स्टेट्स हर 3 साल में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज आयोजित करते हैं। लास्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 2018 जो कि COP 13 था, 2018 दुबई यूएई में सेलिब्रेट किया गया था। ऑलरेडी मैं आपको मेंशन कर चुकी हूँ कि भारत 1982 में इसका मेंबर स्टेट बन गया था। जो भी देश इस कन्वेंशन को साइन करता है उसके ऊपर 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती हैं। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है सस्टेनेबल यूज़ ऑफ वेटलैंड्स, दूसरी है जो भी इसका मेंबर स्टेट है और उस कंट्री में जो भी वेटलैंड्स अवेलेबल है उन्हें लिस्ट ऑफ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, जिसे रामसर सूची भी कहा जाता है या रामसर लिस्ट कहा जाता है, उसमें अपने वेटलैंड्स को नामित करवाना, और तीसरा है ट्रांसबाउंड्री वेटलैंड्स और शेयर्ड वेटलैंड सिस्टम और शेयर्ड स्पीशीज से रिलेटेड इंटरनेशनल सपोर्ट को बढ़ावा देना और वेटलैंड रिजर्व्स क्रिएट करना। वेल, मार्च 2016 तक रामसर लिस्ट में विश्व के 2,231 वेटलैंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के वेटलैंड्स को शामिल किया गया जिनका क्षेत्रफल अगर हम विश्व के क्षेत्रफल से कंपेयर करें तो 2.1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर था। इसका मतलब ये हुआ कि जो रामसर लिस्ट है उसमें जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं उनके 2,231 वेटलैंड्स को शामिल किया गया जिनका क्षेत्रफल 2.1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। और इसमें अगर हम नंबर की बात करें, इस रामसर लिस्ट में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ वेटलैंड शामिल किए गए हैं वो यूके से शामिल किए गए हैं, लेकिन अगर एरिया वाइज बात करें तो 1,40,000 स्क्वायर किलोमीटर के साथ बोलीविया नंबर 1 पर आता है। भारत में 27 ऐसे वेटलैंड्स रामसर लिस्ट में शामिल किए गए हैं जिसमें सबसे लेटेस्ट है 1 फरवरी 2019 को शामिल किया गया सुंदरबन फॉरेस्ट रिजर्व्स जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। अब हम आपको स्क्रीन पर भारत का मैप दिखाएंगे और ये जो 27 वेटलैंड्स हैं ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बट इन्हें ऐसे मगअप करना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए मैप के थ्रू ये आसानी से समझे और याद किए जा सकते हैं और लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपको ये फीड हो जाएगा। अब आपकी स्क्रीन पर एक भारत का मैप आएगा और जो भी ये 27 वेटलैंड्स इंडिया में रामसर लिस्ट में हैं इन्हें एक एक करके इनकी पोजीशन या लोकेशन या ये किस राज्य में स्थित हैं वो देखते हैं। जब हम मैप के थ्रू इसे मगअप करने की कोशिश करेंगे तो ये हमें लॉन्ग टर्म में ये चीज़ें याद रहेंगी। तो स्टार्ट करते हैं हम नॉर्थ से। सबसे पहले जम्मू कश्मीर देखिए, यहाँ पर 4 वेटलैंड्स पाए जाते हैं। पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से एक टिडबिट देती हूँ, रामसर लिस्ट में जो इंडिया की तरफ से जो मैक्सिमम वेटलैंड जिस राज्य से नामित किए गए वो जम्मू कश्मीर है, मैक्सिमम 4 है यहाँ पर
और यही इकलौता ऐसा राज्य है जिसके राज्य से 4 वेटलैंड्स रामसर लिस्ट में नामित किए गए हैं, ये आपको याद रखना है। ये पीटी का क्वेश्चन है, मेंस का इसका कोई लेना देना नहीं। तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर में देखिए चारों वेटलैंड्स की पोजीशन, पहला वूलर लेक, दूसरा होकेरा वेटलैंड, तीसरा सुनिंसर मानसर, देन चौथा देखिए सोमोरिदी, टीस आइलैंड है यहाँ पर, ठीक है। वूलर लेक, होकेरा वेटलैंड, सुनिंसर मानसर और सोमोरिदी, ठीक है, आपने लोकेशन देख ली। दूसरे राज्य में आते हैं हिमाचल प्रदेश, मैप में आपको दिख रहा होगा हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3 वेटलैंड्स पाए जाते हैं, पहला है पोंग डैम लेक, दूसरा चंद्रताल वेटलैंड और तीसरा है रेणुका वेटलैंड। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, पोंग डैम, चंद्रताल और रेणुका वेटलैंड। अगेन यहाँ पर पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से एक टिडबिट देती हूँ, रेणुका वेटलैंड जो है ये सबसे एरिया वाइज सबसे छोटा वेटलैंड है इंडिया की तरफ से, ठीक है, ये इंडिया में सबसे एरिया वाइज छोटा वेटलैंड है, ठीक है। आ जाते हैं पंजाब में, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा पंजाब, यहाँ पर भी 3 वेटलैंड्स पाए जाते हैं, एक है हरके लेक, दूसरा रोपड़ और तीसरा कंजली, देख रहे हैं आप, हरके लेक, रोपड़ और कंजली, ये है पंजाब में। अब देखिए उत्तर प्रदेश आ जाइए, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा उत्तर प्रदेश की लोकेशन, यहाँ पर एक पाया जाता है वेटलैंड जिसका नाम है अपर गंगा रिवर वेटलैंड, ठीक है। अब आते हैं वेस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ आइए मैप में, सबसे पहले राजस्थान, यहाँ पर 2 वेटलैंड्स पाए जाते हैं, 2 वेटलैंड्स, पहला देखिए सांबर लेक, दूसरा है केवला देव नेशनल पार्क, आपको लोकेशन दिख रही है केवला देव नेशनल पार्क की। अगेन आपको मैं यहाँ पर पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से एक टिडबिट देती हूँ, केवला देव नेशनल पार्क मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में शामिल है। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड क्या होता है ये मैं आपको इसके बाद बताऊंगी, अभी के लिए आप जस्ट नोट डाउन कर लीजिए कि केवला देव नेशनल पार्क मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में शामिल है। उसके बाद गुजरात की पोजीशन देखिए, गुजरात में सिर्फ एक वेटलैंड पाया जाता है, नल सरोवर बर्ड सेंचुरी, दिखा आपको नल सरोवर बर्ड सेंचुरी। आ जाते हैं एमपी में, एमपी में भी एक ही वेटलैंड पाया जाता है जिसका नाम है भोज वेटलैंड, मैप में आपको अच्छे से दिख रहा होगा। अब आते हैं साउथ की तरफ, साउथ में सबसे पहले केरला, केरला में आ जाइए, केरला में आपको 3 वेटलैंड दिख रहे होंगे, बताने वाली हूँ आप नॉर्थ टू साउथ, पहला है वेम्बनाथ कोल वेटलैंड, वेम्बनाथ देख रहे हैं, वेम्बनाथ कोल वेटलैंड, फिर है सष्टम कोट्टा लेक और फिर है अष्टमुडी वेटलैंड। केरल के बगल में देखिए तमिलनाडु राज्य, यहाँ पर सिर्फ एक वेटलैंड पाया जाता है जिसका नाम है पॉइंट कैलिमर वर्ल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी, ठीक है, पॉइंट कैलिमर वेटलैंड। अब आ जाते हैं तमिलनाडु के ऊपर देखिए आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में भी एक ही वेटलैंड पाया जाता है कोलेरू लेक, कोलेरू लेक। अब हम धीरे धीरे ईस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन आंध्र के बगल में जो बगल वाला स्टेट है वो है उड़ीसा, और यहाँ पर 2 वेटलैंड्स पाए जाते हैं, पोजीशन देखिए आप अपने मैप में 2 वेटलैंड्स की, पहला है भीतरकनिका मैंग्रोव्स और दूसरा है चिलिका लेक, ठीक है। अब देखते हैं, अब आ जाते हैं पश्चिम बंगाल पे, पश्चिम बंगाल में भी 2 वेटलैंड्स पाए जाते हैं, जो दूसरा वेटलैंड है वो रिसेंटली ऐड किया गया है, वो 27वां वेटलैंड है रामसर लिस्ट में भारत की तरफ से, जिसे 1 फरवरी 2019 को ही ऐड किया गया है, जिसका नाम है सुंदरबन फॉरेस्ट रिजर्व, है ना, और ये पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। और दूसरा है ईस्ट कलकत्ता वेटलैंड, ईस्ट कलकत्ता वेटलैंड, ये भी पश्चिम बंगाल में ही पाया जाता है। अब आ जाते हैं ईस्ट की तरफ, सबसे पहले आसाम, यहाँ पर लोकेशन देखिए, यहाँ से एक ही वेटलैंड पाया जाता है जिसका नाम है दीपोर भील, दूसरा लोकटक लेक जो कि मणिपुर में है, लोकेशन देखिए मणिपुर की, यहाँ पर लोकटक लेक, यहाँ पर पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से एक टिडबिट देती हूँ, लोकटक लेक भी मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। तो भारत की तरफ से 2 वेटलैंड्स मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में शामिल किए गए हैं, पहला मैंने आपको बताया था केवला देव नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में स्थित है, और दूसरा लोकटक लेक जो कि मणिपुर में स्थित है। अब लास्ट में त्रिपुरा देखिए, यहाँ से एक वेटलैंड है जिसका नाम है रुद्रसागर, जिन स्टेट्स का नाम मैंने नहीं लिया है वहाँ के वेटलैंड्स को रामसर लिस्ट में नामित नहीं किया गया है। तो यही 27 वेटलैंड्स हैं जिन्हें शामिल किया गया है रामसर लिस्ट में, और 27th मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, अभी लेटेस्ट शामिल किया गया है 1 फरवरी 2019 को, जो कि सुंदरबन फॉरेस्ट रिजर्व है जो कि पश्चिम बंगाल में
स्थित है। भारत का जो वेटलैंड एरिया है वो टोटल एरिया का 4.63% है, और एरिया वाइज अगर हम देखें क्षेत्रफल के हिसाब से तो गुजरात में सबसे ज़्यादा वेटलैंड्स पाए जाते हैं। ऑलरेडी मैं आपको टिटबिट दे चुकी हूँ कि वेम्बनाड वेटलैंड सबसे बड़ा वेटलैंड है एरिया वाइज, और सबसे छोटा रेणुका वेटलैंड है जो कि हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। 1982 में जब भारत ने इस कन्वेंशन को साइन किया था तो उस समय रामसर लिस्ट में सिर्फ दो वेटलैंड्स भारत की तरफ से शामिल किए गए थे, पहला है केवला देव और दूसरा है चिल्का। तो स्टार्टिंग में यही दो वेटलैंड्स थे। मैप पढ़ाते वक्त मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड। अब हम बात करेंगे मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड होता क्या है। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड या रामसर साइट का एक भाग है और इसे 1990 में कोप द्वारा शामिल किया गया था। इसमें ऐसे इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस या अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड्स को शामिल किया जाता है जिनमें तकनीकी प्रभाव, मानवीय हस्तक्षेप या प्रदूषण की वजह से उसकी पारिस्थितिकी में अत्यधिक प्रभाव या चेंजेस आए हों। कहने का मतलब है कि कोई ऐसा वेटलैंड जहाँ पर टेक्नोलॉजिकल इंटरफेरेंस या फिर ह्यूमन इंटरफेरेंस या पॉल्यूशन की वजह से वहाँ का जो इकोसिस्टम था उसमें मैक्सिमम चेंजेस आ गए हों, ऐसे वेटलैंड्स को मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में शामिल किया जाता है। तो भारत की तरफ से मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि दो वेटलैंड्स को शामिल किया गया है। पहला है केवला देव वेटलैंड जो कि राजस्थान में स्थित है, उसे 1990 में शामिल किया गया था, और दूसरा है लोकटक जो कि मणिपुर में पाया जाता है, उसे 1993 में शामिल किया गया था। इसमें तीसरा वेटलैंड भी मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में शामिल होता था भारत की तरफ से, जिसे बाद में हटा लिया गया। ये तीसरा वेटलैंड जिसे हटा लिया गया उसका नाम था चिल्का लेक। चिल्का लेक को मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड से क्यों हटाया गया, क्योंकि चिल्का लेक के आसपास सिल्टेशन या गाद की प्रॉब्लम थी जिसे सरकारी प्रयासों से दूर कर लिया गया। इसी वजह से 2002 में इसे रामसर पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया, और फिर इसे इसके अच्छे जिस इसकी इकोसिस्टम में अच्छा बदलाव हुआ, पॉजिटिव चेंजेस आए, जिसकी वजह से इसे मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड से हटाकर नॉर्मल रामसर लिस्ट में शामिल किया गया। ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वेटलैंड्स नष्ट हो रहे हैं, ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में सिर्फ हेडिंग बताऊंगी, आपको एग्जाम में इसे इलाबोरेट करके लिखना होगा। सबसे बड़ा फैक्टर है ओवर फिशिंग, टूरिज्म को बढ़ावा देना, देन यहाँ पर माइनिंग का काम मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, कोल, फॉस्फेट और अदर मिनरल्स, एक्सेसिव माइनिंग हो रही है यहाँ पर, एक्सेसिव एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर, देन फ्लड, क्लाइमेट चेंज, सी लेवल राइज, और सबसे बड़ा एब्सेंस ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और डोमेस्टिक वेस्ट मैनेजमेंट। इन कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वेटलैंड्स का जो एरिया है वो सिकुड़ता जा रहा है, और इनके कंजर्वेशन की बहुत अत्यधिक ज़रूरत है। तो क्या राष्ट्रीय स्तर पर वेटलैंड कंजर्वेशन का कोई प्रयास नहीं किया गया? जी हाँ, किया गया। 1985-86 में भारत सरकार ने नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया, जिसका नाम बदलकर नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम कर दिया गया। इसमें भारत सरकार ने राज्य सरकार के साथ मिलकर 115 वेटलैंड चिन्हित किए और उनके कंजर्वेशन का प्रयास किया। दूसरा, वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल 2017 अधिसूचित किया गया, जिसमें भारत सरकार ने आर्द्रभूमि या उसके आसपास के क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना और उनके प्रसार या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के निस्तारण पर रोक लगा दी। तो ऐसे कई सारे प्रयास भारत सरकार की तरफ से वेटलैंड के कंजर्वेशन के लिए किए गए। इन सब वीडियो में मैंने वेटलैंड से रिलेटेड हर छोटी मोटी चीज़ कवर करने की कोशिश की है, जो कि आपको आने वाले एग्जाम्स में इससे रिलेटेड अगर कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो आपको कोई भी असुविधा ना हो और आप आसानी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। धन्यवाद।